देश में से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं, वहीं अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस मुहिम में कदम बढ़ा रही है। भोपाल में एबीवीपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभूषण दत्त शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार से संघर्ष को छात्रों द्वारा ही किया जा सकता है, और अगर बाबा रामदेव द्वारा काले धन के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में छात्र होते तो केंद्र सरकार इस तरह से उन पर हमला न करती। कि संघर्ष करने का काम नौजवान ही कर सकता है, और विद्यार्थी परिषद ने ये आंदोलन आज से नहीं 1949 से जब से हम यही काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा रामदेव का आंदोलन हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन हो, नौजवान इस संघर्ष के लिए हमेशा तैयार। और मेरा एक और कहना है कि बाबा रामदेव के आंदोलन में अगर कहीं नौजवान होते, अगर ये लोग होते, तो केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होती कि उस पर प्रहार कर सकते थे। उनको लगा कि नौजवान इसमें नहीं है, इसलिए इन पर आक्रमण कर दिया जाए। और हमने कहा दिग्विजय सिंह जी को कि दिग्विजय सिंह, आप यूथ अगेंस्ट करप्शन पर आक्रमण करिए। यूथ अगेंस्ट करप्शन हमने खड़ा किया देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौजवान उसमें खड़ा है, वो आपको जवाब देगा देश के अंदर। इसलिए नौजवान संघर्ष के लिए तैयार है, और ये संघर्ष की मानसिकता नौजवानों को तैयार करना ही पड़ेगा।